देश की सुरक्षा के लिए घर परिवार से कोसो दूर बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात हैं। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर जला देने वाली गर्मी, ये सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए देश सीमा पर डटे रहते हैं, ताकि आप और हम चैन की नींद सो सके। बॉर्डर की रक्षा करने वाले वीर सपूतों की कलाइयां सुनी न रहें, इसके लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 ई की ओर से कई क्लबों ने मिलकर सुभाष चौराहे पर एक भव्य कार्यक्रम किया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के भी अधिकारी शामिल हुए। इसमें बॉर्डर पर तैनात सैनिक भाइयों को हजारों राखियां भेजी गयी और सैनिकों की कलाइयों पर रक्ष सूत्र बांधे गए। इस दौरान सैनिक भावुक हो गए। हिंदू धर्म में वैसे तो हर त्योहार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इनमें खासकर भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन देश की सुरक्षा में हजारों बहनों के भाई दूर कहीं बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात है, ऐसे में इन भाइयों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए क्लब की सामूहिक शाखों द्वारा सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र यानी राखियां भेजी गयी। साथ ही जवानों को क्लब की महिलाओं ने माथे पर टीका लगाकर और मिठाई खिलाकर राखी बांधी। लायंस क्लब इलाहाबाद अनुपम के अध्यक्ष विशाल खरे ने कहा कि हमारे वीर सपूत देश की सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में रहकर देश की सेवा करते हैं। एक भी सैनिक की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए हम ये राखियां अपनी बहनों के माध्यम से भेज रहे हैं। ये ऐसा है कि हम लोग हर साल, जैसे इलाहाबाद इंटरनेशनल है तो इलाहाबाद इंटरनेशनल में, लायंस क्लब इलाहाबाद इंटरनेशनल में, इलाहाबाद में 28 क्लब हैं, तो ये 28 क्लब जो हैं वो सामूहिक रूप से बॉर्डर पे जो अपने घर से दूर हमारे तैनात जवान लोग हैं बॉर्डर पे, उनके लिए राखी और मिठाइयाँ भेजते हैं। ये एक कंबाइंड प्रोग्राम होता है जिसमें इलाहाबाद के सारे क्लब हिस्सा लेते हैं। मैं इलाहाबाद अनुपम का अध्यक्ष हूँ, जो इस समय अपने हम लोग 1000 राखियाँ और 11 केजी मिठाई बॉर्डर पे अपने जवानों के लिए भेज रहे हैं। ये यहाँ पर जो सेना के जो कमांडेंट हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है, यहाँ से ही वो सारे मिठाइयाँ और राखियाँ कलेक्ट करके बॉर्डर तक पहुँचाते हैं।